नमस्कार सतेज सकाल सहित मु अपूर्व मु कमलाकांत सतेज सकाल प्रतिदिन आम प्रमुख खबर गुड़िक बाहर प्रमुख खबर उपर आलोचना करूँ प्रमुख न्यूज पेपर में बाहर खबर उपर आज से भाई पांच रु छटी खबर आम आप आनी आसीचु। प्रथम खबर रही कटका को नहीं अनलक हेबना केतोटी जिला राज्य सरकार कटका कोहल करती तो संवाद जहाँ हेडलैंस कर दसटी जिले में कटका कोहल हो तो इन्हें संवाद हेडलैन कर प्रगतिवादी कर सीमांत जिला चिंता बढ़ाऊपरी समाज में बाहर ताला बंद रहा कोहल हो कटका से प्रमेय जहाँ हेडलैंस कर पांचटी जिले में रही कटका से कमलाकांत आउ किसी खबर सहित अच्छी करोना संपर्कित आउ गोटे खबर समाज देखिए सत लुचिता क्यों जो मृत्यु संख्या को लेकिन जो वर्तमान मृत्यु संख्या अधिक बढ़ी ताकु नहीं समाज खबर करपरी ओडिशार जो आतंकी स्लीपर सेल रही से खबर प्रमेय देखिए प्रगतिवादी आठ वर्ष चौबीस छात्र जीवन है कटक रु गोटे खबर आसूरी सेपरी जदि कह कोटिया कथा जे कोटिया कि भाव आंध्र एजेंट साजिंट से खबर संवाद दे नगड़ार खबर समाज में सामना को आसी नगड़ा जाकि 2016-17 मसीह एगार जन कंकाल सार छुआ को नहीं चर्चा को आसी एगार जन पिला मृत्यु होगापर क्योंकि क्योंकि देश में चांचल्य खेली विकास में राज्य सरकार अनेक स्वप्निर स्वप्न देखा स्वर्णिम स्वप्न कितु एपर्यंत विकास छुई ना नगड़े तथापि अनेक विकास बाकी अच्छी ताकू खबर सामना को आसी खबर टी कर समाज सेबड़े समाज में सिंहद्वारा थाना रुजु है मोकदमा बंधा हे खणि मालिक ठिकादार संगीत निर्देशक रथजात्रा बेले रथ निकट को जाता मस्जिद कार जिलापा घेरला आईनजीवी अर्थात प्रशासन गोटे निष्पत्ति नेउचे किंतु तार खुलमखुला के भंग होने प्रश्नवाची सामना को आसी आक्शन निजी जहाँ चर्चा हो तो प्रथम खबर पर आलोचना करने दसटी जिले में कटका कोहल हो तो कटका को नहीं वर्तमान राज्यवासी मन में प्रश्न जो राज्य सरकार नुआ फर्मूला कौन है अपूर्व समस्त नजर रही टीवी खोलला माने से माने प्रश्न मन रही प्रकृत कटका जो रही कमिबना ना क्योंकि किभली कटका रहा समस्त नजर रही खूब शीघ्र आज हूँ तो निष्पत्ति आसी जाए बिल्कुल तो संतोष जेना प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना संतोष राज्यवासी वर्तमान भुवनेश्वर मुहां समस्त नजर राज्य सचिवालय उपर जे राज्य सरकार आज कौन फर्मूला अपनाऊँच नुआ लॉकडाउन को नहीं कौन कटका को नहीं किसी नुआ कटका सामना को आसूरी ना कटका मुक्त कर राज्यवासी को देखो निश्चित भाव अपूर्व आप जानते लगातार दीर्घ दिन धरी जो भाव में जीवन जीविका ठप हो जाए कटका कोहल करने बदल आंशिक लॉकडाउन रो परिस्थिति देखाई कहीं हुए तो पूरा अनलॉक करा जाए नहीं किंतु आंशिक कटका कोहल लोक लॉकडाउन भली अनुभव हो जो दस जिला कथा कहुच्छे निश्चित भाव वर्तमान समय जदि जो भाव में जन असंतोष बढ़ुच्च सरकार जदि जीविका बचेला भाई पदक्षेप नियति भाव में आपड़ जानते लोकों मनरे गोटे विद्रोह स्वर सरकार को ऊपर को आसलानी कहीं वर्तमान समय जो केतोटी जिले में 5% ऊपर को 5% तल को संक्रमण हार रही सेठी कि भाव में लॉकडाउन स्थिति कौन रर्थात अनलॉक स्थिति क्षमा कर अनलॉक स्थिति कौन रुचि जे सूचना मिलू जे पुणी से भाई भाव में अनलॉक पूरा खोली नपे और जो भाई भाव में आंशिक कोहल करंशिक कोहल कराए जो कि जीवन जीविका को सरकार ध्यान देवे वर्तमान समय आशा प्रकट करा मात्र आउ किसी समय अपेक्षा किभली भाव कहीं आप जानते जे जेहेतु डेथ रेट अर्थात पूर्वर जो मृत्यु संख्या अच्छी एवं सरकार किभली भाव में गोटे पर गोटे दर्शाऊँच लोकों मन में असंतोष हो लोक मैंने बुझिपार ना जे मृत्यु संख्या एवं बेसी मात्रा हो पूर्व हिसाब को सरकार एवं देखा नहीं बर्तमान लोक मन असंतोष रही या भितर गोटे कथा आम कहीपर जदि जीवन को जीविका को प्राधान्य न दिया जीवन जीविका को निहत भाव में जन असंतोष बढ़ लोकर विद्रोह स्वर बढ़ कहीं देन धार करी अनेक लोक व्यवसाय कर जो कथा ही कहते समाज से ही खबर को ही प्रकाश कर सत लुचिता क्यों जो बीएमसी कहे पुराणा संख्या जोड़ा हेबर एभली संख्या बढ़ुची तेरे समाज प्रश्न कर सत लुचिता क्यों आम भी अर्गस बार बार एने खबर प्रसारण करूँ जिते बड़े मृत्यु संख्या को लेकिन द्वंद्व रही तो कि देखते बीएमसी युक्ति को देखो निश्चित भाव आप जानते जे राजनीतिक दल मान प्रतिनिधि मैंने किभली भाव में सरकार को टार्गेट करना जिते कोरोना पिक समय से
सरकार पक्षर गोटे निर्दिष्ट रेसीो अनुसार मृत्यु संख्या दर्शाऊला और जिते कटका कमला अर्थात एवं राज्य में मात्र 4 जिला 5% संक्रमण हार उपर अच्छी किंतु एवं जिते बहुत संख्यार मृत्यु दर्शाऊ निहत भाव लोक मन में सन्देह उठू और बीएमसी प्रश्न उठू बहुत बीएमसी पूर्व संख्या को एवं हिसाब कर कहीं आपड़ जानते सूचना अधिकार कर्मी मैंने जिते मझे सूचना अधिकार आईन बल में सरकार को मृत्यु तथ्य मागिले से अनेक गुड़े आरटीआई आक्टिविस्ट मैंने विद्रोह कले और सरकार प्रश्न उठेले मृत्युर रिपोर्ट कहीं सरकार दौना कि राजनीतिक दल प्रतिनिधि मैंने बारंबार सरकार को ट्विट कर सोशल मीडिया बीएमसी विरोध में विषोदगार करते 5% मात्र 4 जिला रही अनेक जिले में परिस्थिति सांघातिक थिला सेतेबेले मृत्यु संख्या किभ भाव में कम संख्यार था एवं संक्रमण कमुची सरकार आंशिक लॉकडाउन कोहल करुछन्ति अर्थात आंशिक अनलॉक कोहल करुछन्ति सेतेबेले एते संख्यार मृत्यु संख्या किभ आसुछि नहीं गोटे बड़ द्वंद सृष्टि या भितर गोटे बड़ त्रुटि थाय बोले आशा कराउछि समस्त एक कथा आशा करुछन्ति सरकार पीक समय मृत्यु संख्या को एबे धीरे धीरे लोकलोचन साधारण लोक छाड़ुछन्ति जो थे एबे ये मृत्यु संख्या नो ये मृत्यु संख्या होछि पूर्वर जेतेबेले कोरोना संक्रमण हार अधिक थिला तले हारि भितरे राज्य सरकार को फार्मूला कोन रहइबो अनलॉक करिवे समग्र राज्य को ना कटकणा किसी मात्रा में कोहल करेतु आसंता का सका 5 कटकणार अवधि शेष होगी आगामी कटकणा के कौन फर्मूला अपनाऊँच सरकार तापर राज्यवासी नजर बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सेनाम प्रतिनिधि नहीं तमाम अपडेट देते ओडिशा को पुणि थे आतंकवादी नेटवर्क लंबुवार सूचना मिली सुराग मिली ओडिशा आतंकिक स्लीपर सेल पूर्व मन थी आपंकर कमलाकांत जे कटक निकटस्थ कंचोल आतंकी धरा जाता संबलपुर राउरकेल चित्र सामना बारंबार एने सन्देह जहाँ कहुची जे जमातुल जो आतंकी आसलादेश 2-3 जन आतंकी ओडिशा आसी पश्चिम कोलकाता एसटीएफ सूचना देता और ओडिशा पुलिस तरफ एपर्यंत कौन कार्यानुष्ठान निया आक्शन मुड़क ओडिशा पुलिस ताबी सन्देह घर में तो क्योंटना क्योंकि राज्य सरकार यह गुरुत्व सहित नेवा उचित कोलकाता जमात आतंकी आसी खबर आज प्रमेय बाहर अपूर्व ये गोटे कथा कह जो प्रमेय लिखी ओडिशा रे आतंकी स्लीपर सेल मुझे खाली गोटे लाइन कहना चाहिए जो स्लीपर सेल क्या कह जो आतंकवादी अच्छा से सीधा सड़क टार्गेट करते ओडिशा रे जो रहंती लोकों सहित मिसिक रुंती से स्लीपर सेल बोली कह जाए आगे को बड़ प्लानिंग नहीं चिंताजनक सब सुजोग अपेक्षा रही भाव परिस्थिति अनुकूल हेले देशर राज्य क्षति घटना इमरान खान अच्छे प्रतिनिधि अधिक सूचना इमरान जमातुल मुजाहिदीन तीन जन आतंकवादी गिरफ्त होती सेमाने एसटीएफ को जहाँ सूचना देखते आहरी किसी साथी भुवनेश्वर कटक बा पुरी ओडिशा को खसी आसी राज्य सरकार आम पुलिस केते सीरियस कारण खबर 2 दिन है सामना को आसलानी एपर्यंत पुलिस तरफ कौन प्रतिक्रिया सामना को आसनी देखो अपूर्व यह हूँ एक संवेदनशील घटना कहीं जानते जेहतु कौन गोटे आतंकवादी लिंक जदि जलधारा जना पड़े कि प्रकृत में ओडिशा भितर कि कौन राज्य भितर से प्रवेश करते कि कौन सहर से प्रवेश करते गोटे संवेदनशील घटना होता पाए और सबुठ बड़ कथा है जो मैंने गुंजा संस्था अच्छा जमाखे गोटे बड़ चैलेंज था किपर भाव में ठाब करेंगे जेहतु बर्तमान आप जानते जमातुल मुजाहिदीन आतंकवादी लिंक कथ जेहतु बर्तमान सामना को आसूसी और कोलकाता धरा पड़ता 3 जन जमातुल मुजाहिदीन आतंकवादी जहाँ तथ्य कोलकाता एसटीएफ और जहाँ सूचना प्रदान जहाँ मिली पाखापाखी 15 जन सदस्य आसिक भारत भितर प्रवेश करते खास करके पश्चिम बंगर से 5 जन से कोलकाता रही है और बाकी 10 जन ओडिशा बिहार और जम्मू काश्मीर भाई राज्य से प्रवेश कर सारी और कोटि कोटि गोटे रोचे आत्मगोपन कहीं रही कहीं से सीधा सड़क साधारण जनता जमी रुंती साधारण लोक जमी रुंती से भाव में रुंती और नेटवर्क तैयारी करते कहीं जो स्लीपर सीट जो तैयारी होता है कहीं आज जानते थर्ड पार्टी क्या आप शुणुवे जो मैंने थर्ड पार्टी था प्रकृत में मूल मालिक किए नबदब ना कि थर्ड पार्टी मैंने जो मैंने थाती से ठार् सब कम कर तो से भाव में स्लीपर सिल्क काम है स्लीपर सिल्क मैंने जापारती मूल मालिक किए से कौन करने लक्ष्य रखते किसी ना केवल जो मैंने आसिक प्रवर्तवे नेटवर्क तैयारी करेंगे विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखेबे और विभिन्न प्रकार कथा कहीकि निज आड़ को नहीं जाइए और गोटे बड़ नेटवर्क तैयारी करेंगे कि किपर भाव में कौ जगह केमी गोटे बड़ घटना घटाई पार्बा और आहरी गोटे कथ कहु जेहतु
गोटे संवेदनशील घटना ये रही ओडिशा गुइंदा विभाग पक्ष वर्तमान सुधा बा ओडिशा पुलिस खबर टी प्रथम ब्रेक करते किसी दिन तले जो आप खबर को ब्रेक करते कि जो भाई भाव में ओडिशा पुलिस गुइंदा विभाग पक्ष प्रतिक्रिया प्रकाश पाइबा कथा ताहा वर्तमान पर्यंत अपूर्व प्रकाश पाऊनि जहाँकि निहतर चिंताजनक कारण पूर्व गोटे वर्ष पूर्व जितेबाला एनआईए पक्ष सतर्क कर तथापि भी लगुच हालुका भाव में ओडिशा सरकार और पुलिस और गुइंदा विभाग नौ इमरान देखो कमलाकांत ये जो घटनाटा रही है जेहतु आतंकवादी आतंकवाद मामलें यह संवेदनशील घटना रही है कहीं जानते जेहतु यही घटन जपर्यंत से आतंकवादी सदस्य मान ठाब न कर गिरफ न कर विषय आगुआ सूचना देवाटा निहत भाव में कोटे कोटी पुलिस गोटे विपद साजिप बोध हुए से आसिक सूचना देना कहीं आप जानते हैं जदि तक विषय में कौन सूचना प्रदान आगुआ कर दे जाए जदि से आगुआ सूचना प्रदान कर दिखती तो कौटना कौटी जो आतंकवादी मैंने बर्तमान आत्मगोपन कर कि परिचय बदलाइक बर्तमान रोचे कि लोक समर्थक पाखे जाकि रोचे सांगे सांगे से स्थान बदलेदे परिवर्तन करदे बोध हुए से कौटना कौटी गणमाध्यम सामने आसिक कौन से प्रतिक्रिया रखुनी ओडिशा पुलिस गुइंदा विभाग आहरी गोटे कथ कहु आप जानते हैं गतका पूर्वतन पुलिस डीजी से गोटे कथ स्पष्ट भाव में कहते जो ओडिशार गुइंदा विभाग जातीय गुइंदा विभाग सहित भल संपर्क रखार आवश्यकता रही है सूचना आदान प्रदान किपर भाव में क्यों जगार आतंकवादी गतिविधि रही किए क्यों जगह से प्रवेश कर सब स्थान को जैसे ठाब कर आवश्यकता रही है क्यों क्यों जगार से बर्तमान जो रही लक्ष्य कौन बर्तमान रही है लक्ष्य बर्तमान ठाब कर आवश्यकता रही प्रकृत में प्लान कौन रही कहीं प्रत वर्ष सब समय सुरक्षित भाव में सुरक्षित स्थान भावती आसिक आश्रय नहीं था तो यह सबूर जिते बड़े मुड़पोच करने जिते बड़े किसी सिक्रेट ऑपरेशन आरंभ करोटना कौटी से पाखे सठिक भाव में पहुंची पार कहीं जेहतु जानते या पूर्व जितकी आतंकवादी आतंकवादी सदस्य धरा पड़ते से समस्ते जितिय तदंतकारी संस्था कि दिल्लीर स्पेशल सेल ठार धरा पड़ते कितु ओडिशा गुइंदा विभाग और ओडिशा पुलिस पाखे से किसी ठोस प्रमाण सठिक भाव में सठिक समय में लगि पार नहीं जहाँ आतंकी सुने तेणु कहुए पारे जे ओडिशार विभिन्न स्तर को आतंकी माने सुरक्षित मानुछंती कारण कटक भुवनेश्वर राउरकेला कथा सामना को आसी पूर्व संबलपुर कथा सामना को आसी कहुच प्रमुख सहर से आतंकी माने नेटवर्क बिछेई सुरक्षित मानुछंती सहर रहिबापे देखो तो अपूर्व या पूर्व अपने जानते हैं कटक जगतपुर अब्दुल हेमंत धरा पड़ता था पूर्व किशननगर में सन्देहर किसी लोक एनआईए उठाई और सामने पचराउचरा करता पूर्व अपने राउरकेलार सीमी आतंकवाद जो सदस्य गिरफ होते हैं पूर्व बालेश्वर जेहतु ईश्वर बेहरा जी कि आईटीआर जो डीआरडीओ रही सेठकर गुप्त तथ्य सब पाकिस्तान आईएसआई को से तथ्य प्रदान करता ए सबू जिते बड़े देखिए बालेश्वर कथ कहु केन्द्रापड़ा कथ कहु कटक अभिभक्त कटक जिला से कथ स्थान कथ कहु तो ये जो चारोटी जिला रहा मुख्यतः से चारोट जिलार से आसिक आश्रय निर्णय खास करके बालेश्वर केन्द्रापड़ा कहीं जेहतु ताकि तटीयवर्ती अंचल समुद्रकूल अंचल और सेठ से समुद्र और नदी नई देखी से सीधा सड़क अनुप्रवेश करती जी बांग्लादेशी मुसलमान बा जो रोहिंग्या मैंने टार्गेट करते से निज कब्जा नहीं कि प्रवर्तई था ठारे रही कारण जदि प्रकृत में तीन रु चार जन आतंकवादी ओडिशा रे थांती स्लीपर सेल भाव कार्य करूँगी ताले से माने विराट क्षति घटाई पारती तो सरकार केते सीरियसर सहित नहीं कौन कार्यानुष्ठान एक्शन मोड को पुलिस आसूची कि नहीं तापर नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान आम प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते कि भाव ओडिशा रे आतंकी गतिविधि रही एने पूर्व एनआईए राज्य सरकार को सतर्क कराई और कोलकाता एसटीएफ एने राज्य सरकार को जनवा पर पुलिस एपर्यंत जदिव सीरीयस सहित खबर को नहीं ना आगो को किभली भाव खबर सहित पुलिस सामना को आसूँ कि आतंकवादी पाखे पहुँचुची ता देखा बाकी रहा अपूर्व परवर्त खबर रही प्रगतिवादी बाहर कटक को नहीं रही महानदी रे मुंड ने 8 वर्ष रे 24 छात्र जीवन गला तो मुझे निजे देखी जे मोर सामने बहुत छात्र छात्री छात्र जीवन जाऊँ नि तो भूमिका रोचे से सतर्क रहा कथा किंतु राज्य सरकार पक्ष कौन सतर्क सूचना व फलकर चिन्ह बन मिलनी जहाँ प्रगतिवादी खबर प्रकाश कर
कारण आठ वर्ष रे 24 टी जीवन जीवा गोटे निहाती बड़ कथा जदि तापरे भी राज्य सरकार पक्षर सेठारे कोनोसी गार्ड उनको व्यवस्था करिबा किंबा सतर्क सूचना को अधिक माने गुरुत्व सहित नबा एभली किछि देखा जाउनि कारण बारंबार प्रतिवर्ष एभली घटना घटुचि एटा गोटे छोट संख्या नै 24 छात्रक जीवन गले बिल्कुल पूर्वरु को आ जाउतला जे जा सूचना आसीतला जे जुब्रा गडगडिया हरिण पार्क गोरा कबर चहटा बेलव्यू गणेश घाट चिदानंद घाट देवीगढ़ा मलाचंडिया छक चंदन घाट आदि स्थान में फलक लगा जाइला कि नष्ट हो गलानी किंतु एपर्यंत राज्य सरकार तरफ सीएमसी तरफ खास करी कोनोसी पदक्षेप निया जाऊना तो केते छात्रों जीवन गलापर सीएमसी चेतिब कटक जिला प्रशासन चेतिब ता बड़ दुर्भाग्यर कथा जे आठ वर्ष 24 छात्रों जीवन गलानी किंतु सीएमसी एपर्यंत गुरुत्वर सहित घटना को नहीं ना एवं सूचना फलक कम से कम जहाँ लगार कथा ता लग जाए ना जो लग जाता ता भांगी रुजी नष्ट हो गला किंतु सीएमसी ताहर मध्य पुनरुद्धार करने एपर्यंत चेष्टा करूना ता सबुठ बड़ दुर्भाग्यजनक कथा। कमलाकांत आंध्रु अनेक समय विभिन्न खबर आसी था किभली भाव पड़ोशी क्षमा करेंगे कोटिया किभली भाव पड़ोशी राज्यर सरकारी अधिकारी माने अनुप्रवेश करते रास्ता निर्माण करने दाबी करते कोटियार अनेक अंचल तांकर बोली दाबी करा जाए भली कि पंचायत इलेक्शन आंध्र सरकार तरफ कहुला जे आंध्र सरकार मनमानी करुच्छे जबरदस्ती करुच्छे किंतु एबे जा संगीन खबर आसी किसी एजेंट अच्छा जो मैंने ओडिशा रोचा किंतु आंध्रपाई काम करा दगा दे कहे मुंड बिंधा साधि आंध्र एजेंट एजेंट का मासिक भत्ता 10,000 टंका दे आंध्र सरकार संवाद खबर प्रसारण प्रकाशित करी खबर सामना को आसवापुर क्योंकि क्योंकि चिंता यह जो ओडिशार लोक आंध्रर एजेंट साधि कि राज्य सरकार से पाखे एपर्यंत पहुंची पार ना निहाती दुखद कथा जे ओडिशा रही आंध्रपाई काम करूँ ये राज्य सरकार को दुईट चेहरा सामना को आसूँ गोटे जो प्रथम आसला खबर जो लोक मैंने असंतुष्ट अच्छा कारण मौलिक सुविधा भी पहुंची पार नहीं से आंध्रमु एबे एजेंट माने मध्य काम करछन्ते ओडिशा रे आंध्र पई निहाती दुखद खबर आ राज्य सरकार बारंबार सेने खबर प्रसारण पर विरोधी को हलाबल पर भी निदर सोइछन्ती एवं जहाँ केवल बयान दे दौंती किंतु प्रकृत में एमती बारंबार घटना पर भी जदि कोटिया ओडिशार स्थिति एभले निहाती चिंताजनक पड़ो खास कर राज्य रहीकि राज्यर लुण खाऊँच कि पड़ोसार गुण गाँव एने संवाद प्रकाशित करंड बेथर कारण साजिंट आंध्र एजेंट मैने कोटिया पंचायतर 22 ग्रामपुंज को नहीं 50 वर्ष रु अधिक है दुई राज्य मध्य बिवाद लागि रही तेणु एजेंट का पाखे राज्य सरकार पहुँचवार आवश्यकता रही तागिद कर आवश्यकता रही कारण जदि राज्य रही राज्य विरोधी कार्य करूँ से विरोध में जदि दरकार पड़े आईनगत कार्यानुष्ठान आवश्यकता रही। अपूर्व परवर्ती खबर नगड़ आसुची समाज खबर दे नगड़ा तथापि विकास बाकी किसी फोटो चित्र सहित दे पिचु रास्ता तो होती कि 2016-17 जितेबाला चर्चा को आसला नगड़ा 19 जन जीवन जाइला जो शिशु रही है तापर चर्चा को आसला ये जो प्रतिश्रुति राज्य सरकार देते या 5 वर्ष पूरला कि तार चित्र दे वर्तमान समाज चित्र सहित पूरा डिटेल्स दे कि भाव में राज्य सरकार कही कि तथापि नगड़ा विकास टू बहुत दूर वर्तमान पर्यटन भी रही है 5 वर्ष पूरा कम समय नुहे गोटे छोटे अंचल को जदि वर्तमान पर्यटन विकास रास्त आगक नहीं पार ना राज्य सरकार निहाती चिंताजनक कथा तेरे परमेश्वर रही सीधा सड़क आम सहित आम प्रतिनिधि रही परमेश्वर ये जो खबर टी नगड़ा संपर्कित खबर आप बारंबार आमको देखाई तो 5 वर्ष हो गला केते वर्ष दरकार राज्य सरकार को नगड़ा को विकास रास्त आगे ने देखो तो नगड़ा जदि आम कहीपर ओडिशा नुहे समग्र विश्व मानचित्र को अपपुष्टि गोटे बार्ता देता जे जाजपुर जिलार जो नगड़ा रही अपपुष्टि केते पिला शिकार होते आज दिन में देखा 2016 मसीह आज पर्यंत नगड़ा रे अनेक टंका खर्च करा जाउची आपण जानिथिबे डीएमए फंड रो कोटी कोटी टंका वर्तमान नगड़ा रे मध्य निवेश करा जाउची हेले लोक मानंकर स्वच्छता स्वच्छलता मध्य सेतेटा उन्नत होउनी आमे मध्य जानिथिबे बारंबार अर्गस मध्य ग्राउंड जीरो रे पहुचीची अर्गस मध्य बारंबार खबर प्रसारण करबा परे सरकारक कान रे पहुचीबा परे सरकार मध्य अनेक समय रे सेठी पदक्षेप नवा को चेष्टा करचंदी किंतु वर्तमान सुधा नगड़ा रो लोक मानंक जदि आमे देखिबा वर्तमान मध्य सेमाने अनेक समय रे केवल भात लुणर ही सहारा बंचुचार
आमे आपण जानिथिबे आमे मातृत्व दिवस दिवस रे नगडारु सीधा प्रसारण करथिले लाइव टेलीकास्ट करथिले जे प्रकृत रे सेठी मा माने केते सुरक्षित अछन्ति एवं जहां आमे दृश्य देखैथिले ताहा 4.5 कोटी ओडिया देखिथिले एवं ता सहित सारा विश्ववासी मध्ये देखिथिले एहा परे जदि आमे कहि परिबा केवल नगडा को ही गोटि रास्ता दिया जाउछि एवं सेतिरे मध्ये कोटी कोटी टका खर्च करा जाउछि बोलि कि मध्ये उल्लेख करा जाउछि हेले वर्तमान सुद्धा मध्ये सेमानक पाखरे भल रास्ता टे पहुंच पारनी आमे जदि कहि परिबा सरकार नगड़ा को मो बस योजना रे शामिल करले बिजु जो बिजु गाड़ी रही सेति मध्ये पहुंचेबा पई योजना करथिले किंतु ता मध्ये ठीक से पहुंच पाइलानी लोक माने समान भावरे जेपर भावरे चली चली आसुथिले ऑटो भोडा करिके आसुथिले सेमती जिबा अर्थात को जे पर जे राज्य सरकार नगड़ा वासी को सहित धोका करिसेंती 5 वर्ष तले निजे मुख्यमंत्री जो घोषणा करथिले जे नगड़ा रे संपूर्ण विकास करा जिवो तळ नगड़ा ऊपर नगड़ा को रास्ता संयोग करा जिवो आधार कार्ड अकाउंट नंबर समस्त को पाखे रहिवो ए सब केवल फंपा घोषणा थिला फंपा आवाज ही थिला निश्चित भाव में आम आज दिन में भी कही पारा जदि मनरेगा योजना कथा कह मनरेगा योजना कार्य होेतु से सठिक आधार लिंक हो पारुनि से अकाउंट को पैसा आसी पारुनि अनेक समय आम देखे बाहर श्रमिक मैंने अति से कम करूँचार स्थानीय लोक मैंने अभियोग करते कि आम मान कम दि जाऊनि फल आम पेट को दाना पहुँचुनि केवल नगड़ा नुहे नगड़ार पाखे तुमुणी कथा कहतु गुयाशाला कथा कहतु से बर्तमान सुधा रास्ता खंडे पहुंची पारि से गमनागमन सुविधा सुजोग आप जानते गत किसी मस पूर्व सेठार जे गर्भवती महिला प्राण हर से पाखे आंबुलांस पहुंची पार ना से सठिक समय मेडिकल को अणा जा ना फल से प्रसव जनित पीड़ा रे बेदना रे से प्राण हरैथिले परमेश्वर एठी परमेश्वर ए जो खबर रहिछि ता भितरा ओडे चिंताजनक कथा रहिछि जे गत अढ़े मास रे 9टी बाल्य विवाह हेछि तो आपण ए गर्भवती को मृत्यु कथा कहउथिले एबे ए जो डेढ़ मास भीतर 9टी बाल्य विवाह तो एटा तो दर्शाउछि जे किभळी भाव रे सेठी सचेतनता काम करछि आप देखो तो जाजपुर जिले में वर्तमान बाल्य विवाह को रोकवा गोटे प्रहसन होत काली कथा कह गत काली आम पाक गोटे खबर आसीला जो थे जाजपुर जिला जो हेडक्वार्टर रही जिलापा कार्यालय रही कि मात्र 20 किलोमीटर दूर में गोटे बाल्य विवाह हो खबर आसीला नगड़ा तो बारंबार बाल्य विवाह हो तापरे प्रशासन चेतुची जोबाँग गणमाम खबर पाँच सेत डीसीपीओ कथा कहतु सीडब्ल्यू सी जा पहुंचुची और से उद्धार करु सरकार पक्षर प्रशासन पक्षर से भाई किसी ठोस पदक्षेप निभली किसी सचेतनता कार्य कराऊार कहीं उल्लेख आम दृष्टि की आसुनी जहाँफल नगड़े बाल्य विवाह को रोक जापर एवं नगड़े किपर भाव में उन्नति करें पूर्व देखुले बारंबार गणमाम प्रकाश कर अर्गस चैनल माध्यम मध्ये हमें प्रकाश करचंती नगड़ा रे अनेक समय रे रास्ता जो रास्ता टी आज पिचू हो पई जाउची से रास्ता बारंबार टेंडर होउची बारंबार कार्य होउची किंतु रास्ता काम सरु नाही नगड़ा वासी को पई वर्तमान सबुठ बड़ समस्या है से माने जो पीडीएस रे जो टंका करे चाउल पाउचंती से टंका करे चाउल पाया पई से माने मध्ये 41 टंका खर्च करबा को पडुची जने हिताधिकारी 5 वर्ष पर मध्ये नगड़ा रे विकास ए पर्यंत पहुंचनी जहां भी पहुंची छि तहा समुद्र को संख्या भली विकास एवं भी सरनी रास्ता निर्माण कार्य एवं भी चली अपपुष्ट शिकार एवं भी पिला होती भात लुण हो प्रमुख खाद्य राज्य सरकार जे के भावे विश्वासघात करती घोषणा दे घोषणा कर प्रतिश्रुति प्रतारणा दे पारती ता नगड़ा ही आउ एक सद्यतम उदाहरण बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर बेउरी आम प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते जे राज्य सरकार कथा और कार्य भितर के फरक थाए कोणाकांत नगड़ा को जीत बुली से ही देखा पाइब परवर्त खबर को आसवा सिंहद्वारा थाना रुजु हो मामला बंधा एवं खणी मालिक ठिकादार संगीत निर्देशक राज्य सरकार निष्पत्ति ने 48 घंटा पूर्व पुरी को ना तो गाड़ी मोटर जीव ना तो पुरीवासी घर बाहर को बाहरी पारे ये फतुआ जारी करा अलिखित फतुआ किंतु खणी मालिक ठिकादार संगीत निर्देशक वित्तशाली और प्रभावशाली ये रथ निकट में पहुंचले मर्सिडीज कार पहुंचला लोके प्रश्न उठाऊंटे जदि साधारण लोकों पर गोटे नियम ताल कौन वित्तशाली जो मान प्रभाव रही है पूरी प्रशासन आउ गोटे नियम करे तो यापर सिंहद्वारा थाना मामला रुजु होथाशीघ्र गिरफ्तार नहीं दाबी आलोक आशुतोष नायक आम पूरी प्रतिनिधि अच्छा आलोक पूरीवासी गोटे नियम आउ वित्तशाली जो मैंने खणी मालिक होते जो मैंने संगीत निर्देशक जो मैंने ठिकादार जो मान प्रशासन सहित सानघाट थी से कौन आउ गोटे नियम
अपूर्वरंजन आम कहीपर रथजात्रा को श्रृंखलित एवं कोविड कटकणा मध्य जिला प्रशासन ठूँ आरंभ कर राज्य सरकार अंटा भिड़ते रथजात्र जो त्रुटि देखाला आपड़ जो भाव में सूचना देखते जो खबरकगज जहाँ शिरोनामा पलटि विभिन्न खणि मालिक हूँ ठिकादार हूँ अण सेवायत हूँ इस्कन भक्त हूँ तमाम लोक मैंने हूँ जो मैंने रथजात्र आसी बड़दाण्ड को ओल्लई आसते रथ सम्मुखे रथ सम्मुखें महाप्रभु को दर्शन करते से फटो सोशल मीडिया रे एबे बेस भाइराल होउछि किंतु बड़ कथा होउछि अपूर्व रंजन कहि परबा जिला प्रशासन राज्य सरकार जो निष्पत्ति नहीं बड़ दांडर उभय पार्श्वर थिबा लोक माने ताको छात ऊपर मध्ये देखि परिबेनि लोक मानकर मौलिक अधिकार लोक मानको वंचित करा जायतिला कोविड कटकणा पई किंतु संपूर्ण रूपे व्यतिक्रम देखिबाक मिलला अनेक लोक अनेक अणसबायतकठु आरंभ करी खणि मालिक संगीत निर्देशक होवंतु किबा ठिकादार होवंतु तमाम लोक सीमा सीधा सळक बड़ दांड को आसी रथार जो खबरटी जो रहिछि जे साधारण लोकटिए भक्तटिए जाय पालेनि कालिया ठाकुर को देखि पालेनि घरे टीवी बसी देखिला किंतु मर्सिडीज पहुंची गला बड़ दांड रे रथ पाखरे मर्सिडीज पहुंची गला तो टंका आउ जदी प्रशासन हातेर थिबो तो किछि भी संभव देखो बड़ कथा हूँ कमलाकांत जिला प्रशासन नियम करथिला केवल श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी किसी गणमाध्यम कर्मचारी एवं आम कहीपर सेवायत मानू पास जोगे रथजात्रा करने से भाव में करूँ व्यतिक्रम आम सीधा सड़क जिला प्रशासन भूल बोलीपर जदि पास जोगाई दि जाए ना कमलाकांत किभली भाव में मन इच्छा लोक मैंने पस्त आम सीधा सड़क दायी करवा जिला प्रशासन को सेने पास कौटू आने कारण जितेबाड़ पूरी सहर लोक मैंने त्याग कले मौलिक अधिकार से वंचित कराला बड़ बड़िया किभली भाव में अनुमति दिगला रथजात्रा समय बड़दाण्ड को आसी देखा जिला प्रशासन कौन से पास जोगेला पुलिस प्रशासन कौन पर तन्न तन्न कर जांच कलानी किए अणसेवायत हूँ किए इस्कन भक्त हूँ किए खणी मालिक हूँ ठिकादार हूँ कि इस्कन भक्त हूँ कौन पर जिला प्रशासन जांच कलानी और जिला प्रशासन से पास जोगेला से पास जोगेला फल पास को देखी से परिचय पत्र को देखी से रथ कहीपर रथजात्र सामिल निश्चित भाव में कहीपर कौटना कौटी जिला प्रशासन मधुचंद्रिका रही कारण जो हजार हजार पूरी संख्या पूरी सहरवासी जो मान बड़ दांड उभय पार्श्व घर रही सेमाने जो त्याग कले सेमाने जो महाप्रभु त्याग कले कोविड कटकणा मानिले से अनुमति देला किए एवं बड़ कथा होछि आपण मध्ये अपूर्व रंजन जानिछते एवं कमलाकांत आपण मध्ये जानिछते गत काली गंगा लज को मध्ये प्रशासन तरफ सील करा जायतिला एवं जो सेही गंगा लज रे रथयात्रा दिन अनेक यात्री को रखा जायतिला जो माने रथारूढ़ अवस्था देखिथिले सेमानको सील करा जायतिला केवल गंगा लज नुह एपर प्रक्रिया मध्ये गत काली ठारु आरंभ होइछि जे उपजिलापाल आमको टेलीफोन माध्यम सूचना देइछते जो माने नियम उल्लंघन करछते बड़ दांड उभय पार्श्व जो मान घर थिला जो माने किछि मुहूर्त पई मध्ये आसीथिले छात ऊपर महाप्रभु दर्शन करथिले सेमानक ऊपर मध्ये कार्यस्थान आस्थबुरी जाकि पुलिस प्रशासन तरफ सूचना दिया जायछि किंतु बड़ कथा पूरी बाहर लोक ही केभली भाव माने रथ निकट रे पहुंचले दामी कार सहित ता मध्ये बड़ प्रश्न घरे सामना को आसुछि जिला प्रशासन केउठी भूल करछि केउ प्रशासनिक अधिकारी माने इथरे संप्रुक्त रहिछन्ते मानकु सहानुभूति देखैछन्ते रथ यात्रा रथ निकट को जिबा पई ता वर्तमान बड़ प्रश्न गोटे पटे जिला प्रशासन कहि श्रृंखलित भाव कर रथजात्रा से 48 घंटा पूर्व अलिखित फतुआ जारी करीवासी घर छात उपरक आसी रथ देखी पार ना कि बाहर जहाँ कह जन जाक घर कह जनकर कटक जनकर भुवनेश्वर आज जनकर केन्दुझर तीन जन जाक बाहर आसी देखुं तसहत दिल्ली भुवनेश्वर और केन्दुझर आउ जे लेखाएं व्यक्ति जाइंट तो प्रशासन केत कठोर होती कार्यानुषानी नजर बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष नायक आम पूरी प्रतिनिधि एने अधिक सूचना देउथला आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि आप देखते सतेज सका सका आहरी सतेज करने आम सहित तो जे चुलबुली अभिनेत्री जोड़ी हे आज अतिथि भाव सहित आलोचना करवा ब्रेक पर ब्रेकफास्ट स्वागत सतेज सका आम सहित जो अभिनेत्री जोड़ी होती सहित आलोचना करवा कि नजर पकड़ा हेडलाइंस राज्य में धमनी कोरोना मृत्यु 24 घंटे 66 मुंड नहीं महामारी 2110 पॉजिटिव मोट आक्रांत संख्या 9,47,869 को वृद्धि कल राज्य में सरुच आंशिक लॉकडाउन अवधि पॉजिटिव संख्या कमुची किंतु मृत्यु लगुनी ब्रेक 25 जिले में कोहल होपे कटकणा 5 जिले में बलबत्तर रहीपे गाइडलाइन आज युवबर्गों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन को पुरुषी 6 वर्ष समारोह में उपस्थित रहेंगे केंद्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर एम्स को पूरला 9 वर्ष प्रतिष्ठा दिवस अटल जी प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करेंगे एम्स सभापति इक्मो मेसीन उद्घाटन बि
विद्युत कार्ड सह दर वृद्धि नहीं राज्य सरकार को घेरी बीजेपी। सबु जिले आरंभ हो विक्षोभ और प्रतिवाद। 16 सबु जिले कैंडल मार्च कर बीजेपी युव मोर्चा। टीका अभाव ने राज्य देउथवा बिब्रतिर जवाब रखिले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री। मिथ्या बयान दे लोकंकु आतंकित न करबाकु परामर्श कहिले आनुषंगिक तथ्य संपर्क में अवगत नहांति राज्य नेता। चीन विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक। एक घंटा धरी उभयों मध्य आलोचना। एलएसी को नहीं आलोचना होता ट्वीट कर जनइले जयशंकर कहले पूर्व स्थित एकतरफा परिवर्तन स्वीकार नुहे। केन्द्र सरकारी कर्मचारी को केन्द्र सरकार बड़ उपहार। 11% बढ़ला महंगा भत्ता। प्रधानमंत्री अध्यक्षतार बसी केन्द्र कैबिनेट बैठक निष्पत्ति। जुलाई 1 लागू हम महंगा भत्ता। आज महाप्रभु बनक लगि नीति। श्रीजीव श्रीमुख श्रृंगार करे दत्त महापात्र सेवक। गुप्त सेवा नीति होपराह 4 घंटा बंद दर्शन। आज सकाल को आहरी सतेज करने आम सहित जो चुलबुली अभिनेत्री जनक आम सहित सामिल होती नाँ हूँ शर्मिला नागेश। आपक चलचित्र देखुए जो से अभिनय करें सुना चढ़ई मो रूपा चढ़ई से चाइल्ड आर्टिस्ट भाव कार्य करते। आकाशे की रंग लगला आलो मोर कंडे शपथपुरी सिनेमार से चाइल्ड आर्टिस्ट भाव काम करय देखी थे। सेपरी अम्लान दास सहित स्वप्नर पथे पथे से लिड रोल सामना को आसते। पर स्वराज बारी लैला और लैला लव एक्सप्रेस। बाबूसान महांती सहित लोकाल टोका लव चोखा और अम्लान सहित पुणी थे गुपचुप पर सिनेमारे से अभिनेत्री भाव कार्य कर 2018 मसीह लैला और लैला सिनेमापी पुरस्कृत कर। तो कमलाकांत आम कथ आरंभ करवा आलोचना आरंभ करवा शर्मिला सहित जे कि भाव से चलचित्र दुनिया में पाद थापिले गोटे चाइल्ड आर्टिस्ट रु आर्टिस्ट भाव अभिनेत्री भाव सामना को आसवा के काठी करें जितने चाइल्ड आर्टिस्ट जे सामना को आसे ताक नहीं बहुत एक्सपेक्टेसन लोकों बढ़े। तो शर्मिला सहित कथ आरंभ करवा अपूर्व कहते शर्मिला हस ही कथा कहे आल्य कलाकार बर्तमान जिते से ओलीवुड गोटे आगधाड़ी अभिनेत्री हो सारी। प्रथम अर्गस न्यूज को शर्मिला को स्वागत करवा तेज प्रथम जानापी चाहिए एवं तो लॉकडाउन चली भी घरे अच्छा कारण सुटिंग बर्तमान एत चलुनि तेज लॉकडाउन शर्मिला कौन कर लॉकडाउन बहुत हार्ड रही माने फ्रॉम 2020 रु ही सब मोर 2020 रे बोर्ड्स थिला से मु ब्रेक नहीं थी फिल्म्स रु आउ स्क्रीन रु। तो 2020 रे मोर प्लस टू बोर्ड सरला देन से लॉकडाउन स्टार्ट हो तो आउ स्कोप माने से जो परमिशन मिलता तापर जाकि गोटे फिल्म करी देन पुणी आउ थे लॉकडाउन इम्पोज हो गला पुणी आउ थे रिस्ट्रिक्शन्स हो गला। तो एबे अपेक्षा रे अछि केबे लॉकडाउन फिटिबो ताले हमर अपकमिंग शूट्स हमें करी परबा। शर्मिला जानबा को चाहु जे चलचित्र जगत प्रति आपनकर आकर्षण पिला बेलु थिला जेबे हम सुन जानिलु जे चाइल्ड आर्टिस्ट मध्ये आपन थिले अनेक चलचित्र अभिनय मध्ये करिसेंति तो पिला बेलु केमती अभिनय प्रति आकृष्ट हेले पिला बेले समती किछि मोर अट्रैक्शन नथिला ई लाइन प्रति किंतु मु ग्रेट फैन ऑफ आर्ट। स्कूल ले हो किंबा मोर छोटो बेले को गुडे छोटो फंक्शन हो मु सबले पार्टिसिपेट करथिली आर्ट फंक्शन हो डांस फंक्शन हो किंबा को भी ड्रामा फंक्शन हो मु सबले से पार्ट नउथिली। तो सेटा मु जान नथिली जे मु माने ए लाइन प्रति पैशनेट अछि बट मो पेरेंट्स माने सब बेले श्योर करंती कि मु ए लाइन ने जाए बोली। सो छोटो बेलु ही मते ए लाइन ने ही एंगेज कराई छि प्लस मोर एकेडमिक करियर रे मते माने अप टू डेट रखाई छि एंड ए लाइन ने भी मते एंगेज कराई छि। तो सेही अनुसार मु चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो किसी जानी पार नथिली तापर जब मुझे एज लीड आसली से जानी पारि जे ओके तो मते ए जिनिसटा करिया को बहुत भल लगुची एंड गॉड मते गिफ्ट देइछंती जिनिसटा तो मुझे आगे को आहरी बढ़ेबी। शर्मिला आपन कहते जेहेतु आप ऑलरेडी एंट्री नहीं सारी थे बाल्य कलाकार भाव में तो प्रेशर टी कम रही कि कारण बाल्य कलाकार हिसाब से आपण ना थिला एवं जो कलाकार दुनिया बा जो ऑलीवुड
ତା ସହିତ ଆପଣ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତ ଟିକେ ସହଜ ହେଲା କି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଭିରେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲିଡ୍ କଲେ, ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଜ ହେଇଗଲା କି? ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲି କି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମାନେ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି କେବେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍କୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଏଲ୍ଡର୍ସ ଥିଲେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ମେଜର୍ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଆଲ ମୋର କଣ୍ଢେଇରେ, ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସକୁ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଜଣ ମୋତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଜ୍ ଲିଡ୍ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଲିଡ୍ କରିବା କ'ଣ ମାନେ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା। ସୋ ଛୋଟବେଳେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ୱି ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲର୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲର୍ ଅନୁସାରେ ରୋଲ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ସନ୍ମିରା ନାଗେଶ, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ଯେ ସନ୍ମିରା ନାଗେଶ ଓଡ଼ିଆ ନା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୋର ନାଗେଶ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ତ ସନ୍ମିରା, ଜାଣିବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଜଣାନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଗରୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? କହିବେନି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଟା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁ କଳାକାର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ଟା ଫିଲ୍ କରେଇଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସିନିୟର୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କୋ ଆକ୍ଟର୍ଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରେଇବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିବ। ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ୱରାଜ ବାରିଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ମୋ ଏଜ୍ର ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ମାନେ କହିଲେ ମୋ ସହରରୁ କହିଲେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ। ସୋ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମାନେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲା, ବିକଜ୍ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛୁ ଦୁଇ ଜଣ। ସ୍ୱରାଜଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱରାଜ ସହିତ ଆପଣ ବାଲ୍ୟ କଳାକାର ହିସାବରେ ବି କାମ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସହିତ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଥିଲା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ଏବଂ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଯାଇକି ତାଙ୍କରି ସହିତ ହିଁ ତାଙ୍କର ହିରୋଇନ୍ ହେବେ? ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଜ୍ ଲିଡ୍ କାମ କରିବି ବୋଲି। ଭାଗ୍ୟ ଆଣିକି ଠିଆ କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ବି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବି ଫିଲ୍ମକୁ ଆଜ୍ ଲିଡ୍। ତ ମୋ ପାଇଁ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖୁସି ଏଇଟା ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାରିପଦାରୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ବାରିପଦାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ବାବୁସାନ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମିହିର ଦାସ ସାର୍, ବହୁତ ଜଣ ବାରିପଦାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ବି ବାରିପଦାରୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱରାଜ ଭାଇ ବି ବାରିପଦାରୁ। ତ ବାରିପଦା କୁହାଯାଏ କଳାର ମାଟି, ହଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି କଳାର ମାଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଅନେକ କଳାକାର ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶନ୍ମିରା, ଯେଭଳି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ସ୍ୱରାଜ ନା ବାବୁସାନ ନା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନା ଅମ୍ଳାନ ଦାସ, ଏଭଳି ଅନେକ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ? ପୂର୍ବ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ବାବୁସାନ, ଦେନ୍ ଅମ୍ଳାନ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ, 1, 2, 3, 4। ଓକେ, ତ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଥାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ବାବୁସାନ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଅନୁଭବ ସାର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯଦି ଜଣକୁ କହିଦେବି ତ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେବନି। ସୋ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଏଡ଼େଇ ଗଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ।
ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସବୁ ସବୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ନିହାତି ପଚରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍ କେଉଁଟା, କାରଣ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ କୌଣସି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ନା ମୋତେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି କି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେମିତି କିଛି ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ରହିଛି ସେଇ ଚରିତ୍ର ବା ଏମିତି କିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା? ହଁ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖେ ଫର୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିପାରିବିନି କି ହଁ ମୋତେ ଆଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ହେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦେଖୁନଥିଲି, ହିନ୍ଦୀ ନୁହଁ କି ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ଭିତରେ ରହି ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲି, ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କଲି, ତା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲି, ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟର ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରୋଲ୍ ନେଇ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସେଟ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜ ସହିତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ରୋଲ୍ ନେଇକି ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତ ଶର୍ମିଳା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟର ସେତେ ଭଲ ନଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ହୁଏନି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଆସିକି ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଭାବନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କି କାହିଁକି ନା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର, ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ପଶେ ସେତେବେଳେ ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟର, ଅବଭିଅସ୍ଲି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ କି କିମ୍ବା କିଛି ବି ଅଲଗା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବନ୍ତି। ବଟ୍ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଉ ମାନେ ଯଦି ସେ ଜିଲ୍ଟା ଥିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଏକା ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଲାଗେନି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାମିଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଥାନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କୁହାଯାଏ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ? କାରଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣଠେ ସାହିକି ରହିଯାଇଛେ, କେବଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛେ? ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଫିଲ୍ମସ୍ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମିହିର ଦାସ ସାର୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କିମ୍ବା ତା ପଛକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଫିଲ୍ମକୁ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ, ଭାବେ ଯେ କେବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଝିଅ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କପି ଫିଲ୍ମ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ଲୋକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଯଦି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ, ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯଦି ଟଙ୍କା ସେତିକି ଇନକମ୍ ନହେବ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କାରଣ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ କଥାଟା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୂଆ ମେକର୍ ଆସିକି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ଅଡିଏନ୍ସମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ସେ ଭରସାଟା ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଯିବ? ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ? ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଓଭର ନାଇଟ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ ଚଳିବ। ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି 5 to 6 ଇୟର୍ସ ଲାଗିବ ପୁଣି ସେମିତି ଭରସାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କର। ଯଦି କପି ପେଷ୍ଟ ପୁରା ଉଠିଯିବ, ମୋର ଏଇଟା ଭରସା ଅଛି ଯେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡେଜ୍ ବାପସ ପାଇବା ବୋଲି। ଯାହା ହଉ, ପୂର୍ବ ସେ ଆଶା ତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଇୟର୍ସ ଲାଗିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ବ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ଭଲ ଲାଗେ, ମିହିର ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଇ ଦିନର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତ ରହିଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦର, ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେକୁ ବି ବାଛି ପାରିବିନି,
କିମ୍ବା ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ସଙ୍ଗରୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଗୀତ ଲାଇ ଗୀତ ଏମିତିକି ମିନିଂଫୁଲ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଫୁର କିନା ଉଡ଼ି ଗଲା ବଣି, ସେଇ ଗୀତଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ଏ ବନର ଛାଇ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ତ ସତ୍ୟ ସକାଳେ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଏବଂ ସମୀରାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜାଣିବା, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କଥା ହେବା ସମୀରାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ, ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନ୍ମୀରା ନାଗେ। ସନ୍ମୀରା, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସତେଜ ସକାଳକୁ। ଜାଣିବାକୁ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି, ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନଥିଲି, କିମ୍ବା ମୁଁ କାହାକୁ ନା ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସିନେମା କ'ଣ ବୋଲି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଚି ବଢ଼ୁଛି। ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର କେଉଁ ଅଭିନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅଭିନେତା କୁହନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଇନସ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଇରଫାନ ଖାନ, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି। ସନ୍ମୀରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ନାଁ କହିଲେ, କେଉଁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ନାଁ କହିଲେନି, ଓ ସେମାନେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍, କିନ୍ତୁ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏଭଳି ନାଁ କହିଲେନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ରକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିଛୁ, କମେଡ଼ି ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ମୀରା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଚାହିଁବେ ଯେ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କମେଡ଼ି, ରୋମାଣ୍ଟିକ, ନା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମନରେ ଆଶା ଅଛି? ମୋତେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ସେଡ଼୍ରେ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି, ଯଦି ମୁଁ କମେଡ଼ି କରୁଛି ଖାଲି କମେଡ଼ି ହିଁ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଟା ହିଁ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସହିତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ କମେଡ଼ି ଦରକାର, ତା'ର ଫିଲ୍ମ ମେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଦରକାର, ତ ମୋତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ରେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ସନ୍ମୀରା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାୟକମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ହିରୋମାନଙ୍କ କଥା, ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତ କରିନାହିଁ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍କୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ଭଲ ହିରୋଇନ୍, ପୁରୁଣାରୁ ଜଣେ କହିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ କହିବେ? ପୁରୁଣାରୁ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା, ମହେଶ୍ୱତା ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ, ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ମିଠା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛେନାପୋଡ଼ ନା ରସଗୋଲା? ଛେନାପୋଡ଼। ସେଟା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କମଳାକାନ୍ତ, ତମର ଛେନାପୋଡ଼। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଓକେ, ଓକେ, ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହିତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ତ କରିଥିବେ ନା? କରେଣ୍ଟଲି ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ବସ୍ ମୁଁ ଫ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି,
ମୋ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ବି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛି ଆଉ ମୋର ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୁଡ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଯଦି ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ ଟିକେ ଥିବ, ସେମିତି କ୍ଲିଶେ ଷ୍ଟୋରୀ ନଥିବ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ହେଇ ଆସୁଛି, କପି ପେଷ୍ଟ ନଥିବ ନର୍ମାଲି, ତ ଆଉ ମୋ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ ନା? ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଯେହେତୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଛି କି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ରହିଛି ଏବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଟିକେ ଡଲ୍ ଥିଲି, ତ ମୁଁ ସେତେ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଛୋଟିଆଟେ ଥିଲି, ମୋର ଏତେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ ସେଟ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି କି ଓକେ ମୋତେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଏତେ କିଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୁଁ ସେଟା ବିୟର୍ କରିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ତ ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ବିଷୟରେ ମୋର ମନେ ଅଛି। ତେବେ ଅପୂର୍ବ, ଶର୍ମିରାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଉ କେଉଁଠି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଶର୍ମିରାକୁ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋର ଯେଉଁଟାକି ରଜରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା ଗୁପଚୁପ, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ, ତ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଉଠିଯିବ ଆଉ ପରମିସନ ମିଳିବ ହଲ୍ ପାଇଁ। ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଖୁଲାସା କରିବେ କି? ଯେଉଁମାନେ ସେ ପୁରା କାହାଣୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି କେଉଁ ଧରଣର ହେଇଛି ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କମେଡ଼ି ପାଇବେ, ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟ୍ସ ପାଇବେ ଫିଲ୍ମରେ, ମାନେ ହସି ବି ପାରିବେ କାନ୍ଦି ବି ପାରିବେ, ଆଉ ମୋ ରୋଲ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି, ଏ ବିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କହିପାରିବିନି, ଏ ବିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଶର୍ମିଳା, ଯଦି କେବେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର କେଉଁ ହିରୋଙ୍କର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପସନ୍ ଦେବି, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଇଭିନ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ହିରୋଇନ୍ ହେବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ପ୍ରଥମେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିବେନି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ବେଶୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନି, ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଛି, ତ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶର୍ମିଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ପୁଅ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଜଣ ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଶର୍ମିଳା କେବେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମୋ ଏଜ୍ ବହୁତ ସାନ ଅଛି ଏବେ, ତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି ମୁଁ କେବେ ବାହୁଛି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ସିଓର ନେଇ ବାହୁଛି କି ମୁଁ ବାହୁଛି କି ଓ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ କି ସେମିତି କି ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାକି ଆମେ ପଛେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତି କି ଇତିହାସ ଗଵାହ ହେ ଯିଏ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ନା ଆପଣ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ, ନା ଆପଣ ଏଇ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କେଉଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ହଉ, ତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ଏବେ ମୁଡ଼୍ରେ ମୁଁ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେ ଅଭିନୟ ହଉ କି ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ହଉ ସବୁଥିରେ ସେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଉ। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରାକୁ ଫେରେଇ ନେଉ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲାଗୁ। ଆମେ ପୁରା ଆର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ଗୋଟେ ନାୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ସମସ୍ତ ରହିଛି ସତେଜ ସକାଳକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସହଯୋଗୀ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।